दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके आया। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, कई बार हमारे पास कोई LCD LED रिपेयर होने के लिए आता है जिसमें साउंड आ रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है लेकिन पिक्चर हमें दिखाई नहीं देती, या सेट हमारा स्टैंडबाई से ऑन होता है लेकिन हमें कन्फर्म नहीं हो पाता है उसका बैकलाइट प्रॉब्लम है या उसके अंदर पैनल की प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत से टेक्नीशियंस के साथ होता है, हमारे साथ भी इस तरीके का जो समस्या होती रहती है। तो हम किस तरीके से इसको जान पाते हैं कि इसके पैनल में प्रॉब्लम है या इसके बैकलाइट में प्रॉब्लम है, सारी जो डिटेल है आपको आज मैं देने वाला हूँ। जैसे कि आज हमारे पास ये TV रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसको किस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ आपको टूल चाहिए और किस तरीके से हमने इस टूल को बना रखा है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ। इसलिए हमें एक LED बल्ब जो हमारे घरों में यूज होता है, ये आप 9 वाट 12 वाट 15 वाट कोई भी यहाँ पे LED जो है वो ले सकते हैं। और इसको क्या करना है, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, जो कैप है, ये आपको निकाल देना है और इस तरीके से आपको LED को रखना है। और साथ में आपको एक, जैसे यहाँ पे मैंने एक होल्डर लगाया है, इसको होल्डर पे लगा के आपको इसको ऑन करना है हमें। तो हमको यहाँ पे एक होल्डर यूज करना है। ये वायर हमने कुछ लंबी बना रखी है ताकि LED कुछ बड़ा 50 इंचेज या 43 इंचेज या 65 इंच कोई भी आता है 32 इंच, तो थोड़ी सी लेंथ आप रख सकते हैं इस वायर की। तो इसके द्वारा हम चेक करते हैं कि कैसे बैकलाइट जब प्रॉब्लम आती है तो बैकलाइट ओके है, पैनल हमारा ओके है या नहीं है, या पैनल में कोई लाइनिंग है। ऐसा ही केस आज हमारे पास एक रिपेयर होने के लिए आया है, तो हमने किस तरीके से उसको चेक किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आज हमारे पास ये एक TV आया हुआ है जो कि सूर्या का लोगो है इसके अंदर। तो इसके अंदर कस्टमर का कहना है कि इसकी जो पिक्चर है वो नहीं आ रही, इसके अंदर साउंड आ रहा है। तो हमें पता चला है कि इसका बैकलाइट प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से जब हम हाथ मारते हैं तो कोई ग्लो नहीं होता है। तो हम आज चेक करेंगे कि इसकी बैकलाइट ख़राब है। दूसरा कस्टमर का थोड़ा सा कहना था कि इसके अंदर कुछ लाइनिंग है, तो किस तरीके से हम उसको भी चेक करेंगे विदाउट इसको खोले। अभी ये TV हमने खोला नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे पावर दे रहे हैं। और हमको क्या करना है, थोड़ा सा लाइट को आपको ऑफ़ कर लेना है। आपके रूम की लाइट है जो, या आपकी दुकान की जो लाइट रहती है उसको ऑफ़ कर देना है। तो ये जो LED हमने बनाया है इसको ऑन कर लेना है। अभी हम इस सेट को स्टैंड बाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सेट है वो स्टैंड बाई हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सूर्या का जो लोगो है वो क्लियर दिख रहा होगा आपको, बहुत क्लियर दिखता है इसमें। दूसरा यहाँ पे अब लाइनिंग की जो उसने प्रॉब्लम बताई थी हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विजडम शेयर जो है क्लियर दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्लू बैक आया है। अब ब्लू बैक में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए AV जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। और कितना यहाँ पे देखिए, बिल्कुल क्लियर आपको ब्लू बैक दिखेगी। और इसके अंदर लाइनिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सी लाइनिंग है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो हमें बिना खोले ही यहाँ पे क्लियर हो गया है कि इस पैनल के अंदर बहुत सी लाइनिंग है जो कि आप बॉन्डिंग से सही कर सकते हैं या नहीं सही होती, क्रिस्टल की लाइनिंग है। लेकिन हम बिना खोले ही पता लगा सकते हैं कि हमारे सेट में कोई लाइनिंग तो नहीं है, या हमारे सेट पे जो ग्राफिक्स है जैसे नो सिग्नल वो आ रहा है, पैनल ओके है ना या नहीं। तो विदाउट खोले आप बैकलाइट इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक LED की ज़रूरत है, एक होल्डर की ज़रूरत है इस तरीके से, और थोड़ा सा आप रूम में चाहे तो अंधेरा कर सकते हैं, लाइट जो है ऑफ़ कर सकते हैं अपनी, और इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।